तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं ना मतलब दिल्ली से वापस आ गया हूँ और अभी घर पे आ गया, तो रेस्ट वेस्ट हो गया। अब देखो रात के 8:30-9 बज रहे होंगे, 9:45-8 बज रहे, पीछे गाड़ी में दिख रहा है मेरे को। तो गाइस अभी बात यहाँ पे ये है ना कि मैं सो के उठा था और अयन भाई यहीं पर थे, तो हम लोगों ने कुछ सोचा कि यार चलो बहुत टाइम हो गया। मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब हम लोग की फ्रेंडशिप को मोर देन 3 ईयर्स होने वाले हैं। तो गाइस सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 3 साल के बाद भी मतलब वो अट्रैक्शन उससे ज़्यादा, इतनी अच्छी अट्रैक्शन होती है उससे, गाइस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लाइक हाँ कहो, अगर मैं कहूँ तो हो सकता है मुझे उससे प्यार हो चुका है, बट हाँ इट्स ट्रू काइंड ऑफ, बट उसे हुआ नहीं हुआ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ आज मैंने सोचा कि यार उसके साथ थोड़ा प्रैंक करते हैं, देखते हैं कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती हुई कि नहीं, और अगर रखती है तो मुझे अपने लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। तो बस इसी के लिए मैंने हाँ कि उसके साथ छोटा सा वर्चुअल प्रैंक किया है और थोड़ी एडिटिंग स्किल्स हैं इन सब के हिसाब से मैंने उसके साथ थोड़ा सा प्रैंक किया। तो चलो आज उसी के बारे में बात होगी और देखते हैं आज ये ब्लॉग स्पेशल उसी के लिए। और मैं आप देख लो पीछे 7:45 बज रहे थे ना, मैं ये ब्लॉग को एडिट करके जल्द से जल्द डालूंगा, और मैंने ये अभी ही किया है, आज 29th है और आज ही मैंने ये ब्लॉग शूट किया है और अभी ही शूट किया है और अभी ही मैंने प्रैंक किया है और अभी ही इसे एडिट करके मैं अभी ही डालने वाला हूँ। हाँ ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि मैं इसे अभी ही डालने वाला हूँ, मैं उसको एक्चुअली ज़्यादा टाइम तक हर्ट नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे। अब मेरे लाइफ में सबके लाइफ में एक लव ट्राइंगल तो होता ही है गाइस। अब लव ट्राइंगल मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मुझे उससे प्यार है, ये मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उससे प्यार है एंड दैट्स ट्रू, ठीक है, बट उसे किसी और से प्यार है। अब मैं क्या बताऊँ, वो थोड़ी पागल सी है, ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया क्या, मतलब ठीक है वो अपने जगह भी ठीक ही है, अब बाकी उसका डिसीजन उसे किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर उसके साथ, ऑब्वियसली वो उसी को चूज़ करेगी, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, वट एवर इट इज़। अब रहने दो, अब आते मेन टॉपिक पे, मैंने उसे प्रैंक किया, बहुत तगड़ा वाला प्रैंक किया है, रो वो दी होगी बेचारी, इतना गारंटी दे सकता हूँ मैं। तो चलो गाइज अब सीधा मैं आपको प्रैंक दिखाता हूँ, और ये इंस्टाग्राम के चैट्स पे प्रैंक हुआ है, तो गाइज बेसिकली प्लीज़ कोई हेट वेट मत फैलाना कि भाई उसको जाके मैसेज कर रहा हो या मुझे आके मैसेज कर रहा हो, तो भाई मत करना प्लीज़, ये सब मुझे बहुत बेकार लगता है, और जो जो ये लोग करते हैं गाइज प्लीज़ स्टॉप दिस स्टफ। तो चलो गाइज सीधा अब हम लोग इंस्टाग्राम के चैट्स पे मिलते हैं और मैडम को प्रैंक किया जो हम लोगों ने वो देखते हैं। गाइस देखो प्रैंक कुछ यहाँ से चालू होता है, आज 12:10 पे जब मैं घर आ चुका था ट्रेन से, NDLS की ट्रेन थी मेरी 10:50 9:55 मतलब 5 मिनट डिले हो गई थी राजधानी 5 से 10 मिनट, तो वो डिले नहीं माना जाता। तो गाइस एक्चुअली ना मतलब थोड़ा डिले था 5 से 10 मिनट, तो वो डिले माना नहीं जाएगा, बस देखो यार वो 5 से 10 मिनट डिले कौन ही देखता है। रही बात अभी आ चुके हैं तो फटाफट अब वीडियो शूट कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो ये कमेंट चैट्स है मेरे, तो मैडम ने ना एक्चुअली एक कमेंट डिलीट किया था मेरा, ठीक है, तो मैंने सोचा यार यहाँ से बहुत अच्छा हम लोग इसको प्रैंक कर सकते हैं, मतलब यहाँ से मैं एक टाइप से इससे लड़ सकता हूँ कि यार तूने मेरा कमेंट क्यों डिलीट किया इस तरह, ठीक है, तो बस इसी तरह मैं इससे लड़ाई करने वाला हूँ। तो पहले ही बता दे रहा हूँ सोच तुम ये वीडियो देख रही हो तो यार आई एम रियली सॉरी, इट्स अ प्रैंक एंड हाँ ये जस्ट ऐसे ही किया था मैंने, मेरे को 3-4 जनों ने कहा था कि भाई एक बार आप सुष्मिता पर प्रैंक करो, मतलब जो तेरे बारे में जानते हैं उन्होंने कहा था, एंड यार देख इट्स अ ट्रू फैक्ट आई लव यू, ठीक है, एंड आई नो दैट यू ऑल्सो डू, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, लाइक तू अपने जगह सही है तो फ्यूचर ज़्यादा सोच रही है, हालाँकि देख फ्यूचर में एक बार तेरे को बता देता हूँ उतने सोचने की दरकार नहीं है, बस यार तू प्रेजेंट जी, अगर तू प्रेजेंट जिएगी ना आई प्रॉमिस आई स्वेयर फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, अगर तू प्रेजेंट अच्छा करेगी ना तो फ्यूचर अच्छा ही रहेगा तेरा, और ये फैक्ट है। अब रही बात चलो गाइज अब आगे आप लोग देखो कि मैंने इसके साथ किस तरह बातें की है, बस यार प्लीज़ इसको जाके मैसेज करने मत लग जाना, आई एम रिक्वेस्ट यू ऑल, मुझे नहीं चाहिए सब फालतू चीज़ें, मैं जानता हूँ स्टॉम आर्मी इतने फालतू चीज़ें नहीं करती। अब स्टॉम आर्मी क्यों कहा मैंने, क्योंकि स्टॉम गेमिंग के भी यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, वॉट एवर इट इज़। तो चलो देखो अब यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे उसने कुछ वॉच डिलीट किया, तो मैंने कहा यार मेरा कमेंट डिलीट करके बहुत अच्छा किया तुमने सर, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे टॉन्ट मारा, तो यहाँ पे मैडम का कम से कम 2-2.5 घंटे बाद मैडम का रिप्लाई आता है, मासी भी देखते हैं इसलिए डिलीट किया मैंने कहा। फिर मैंने एक ना उसको पिक भेजी जिसमें ना उसका मतलब जिससे वो प्यार करती है या वॉट एवर इट इज़ रिलेशनशिप और वॉट एवर, तो ना उसकी आई डी यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यार इट्स अंडर शेयरिंग, ठीक है, इट्स अंडर शेयरिंग,
तो मैंने कहा ये क्या बच्चे हो रही है, कहती क्या, मैंने कहा शेयरिंग अकाउंट कहीं को, कहती अच्छा ये है, फिर कहती हाँ मैंने डाला था पहले, मैंने कहा हटा यार क्या हरकत है सब, कहती ऑप्शन नहीं आ रहा कोई नहीं रहने दे। और यहाँ पे मुझे एक्चुअल में भी वीडियो शूट करते हुए भी गुस्सा आ गया था, ठीक है, क्योंकि इसके ये नखरे मतलब इसके ये बहाने बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा बहाने देती है। अब इसकी कुछ पिक्स भी दिखाऊंगा आपको, बहुत क्यूट भी है, मोटी हल्की चबी है ये। तो फिर मैंने लिखा सुनो सुसु क्या कर रही हो, ठीक है, तो एक्चुअली ना इसका नाम सुष्मिता है, तो मैं ऐसे सुस या सुसु बुलाता रहता हूँ ऐसे मस्ती के लिए, ठीक है। तो कहती बात, मैंने कहा मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगा ऑप्शन, दो मिनट, कहती नहीं आ रहा, मैंने कहा अपना आईडी पासवर्ड दे मैं करता हूँ, कहती मुझे याद नहीं, मैंने कहा कोई नहीं ओटीपी आएगा बताना, कहती पापा का नंबर है पापा गाँव में, मैंने कहा दे दे बहाने, उसकी शेयरिंग में ही रख रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब करिए, चाहे फिंगर से करिए या पंच मारिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं समझ गया था ऑलरेडी कि इसका मूड थोड़ा सा ख़राब है, बट मैंने कहा यार ये सही टाइम है क्योंकि ये प्रैंक शूट अगर मूड ख़राब होगा ना तो और सही होगा, ठीक है। हालांकि यार तेरे को रुलाने के लिए आई एम रियली सॉरी, बट ठीक है चल, मज़े तो अपने जगह है ना यार, एटलीस्ट पता तो चले कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे तो पता है, काश तुझे पता चल जाए इस वीडियो के बाद कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, और क्या पता शायद तू आ जाए मेरे पास, बात हो जाए हमारी, बात तो होती है मतलब रिलेशन आ जाए हमारा, वट एवर इट इज़ इट्स अबव टॉपिक लिव इट। फिर मैंने लिखा हाँ हाँ ऐसे ही बोलो जब जब उसकी बात करूँ मैं, यही आदत बेकार लगती है तुम्हारी मुझे, ठीक है। फिर अंगूठा दिखा रही है मैडम, मैंने कहा क्या यार वीडियो कॉल उठाना, कहती सॉरी नो, मैंने कहा क्यों, कहती ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे वैसे कुछ नहीं उठा सोस, कहती क्या, मैंने कहा कॉल उठाओ, कहती नहीं करनी मुझे कॉल वॉल पर बात, मैंने कहा क्यों, कहती ऐसे ही बस, मैंने कहा ऐसे वैसे क्या चुपचाप बता क्यों, कहती कुछ नहीं ना यार, मैंने कहा बता देख तेरी हरकत तेरी हर बात समझता हूँ मानता भी हूँ, बट ड्रामे मत कर, या तो तू ये सब जानबूझकर करना करने लग रही है शायद मुझे हर्ट करने के लिए, इससे पहले तो नहीं करती थी, तू बता दे अगर तेरे को मैं नहीं चाहिए तेरी लाइफ में मैं खुद चला जाऊँगा, कहती तुझे जो समझना है यार समझना है समझ यार, अभी बात नहीं करनी ना मैं, अभी बात नहीं करनी मैं तेरे को थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल गया था इसके साथ अच्छा खासा प्रैंक करने का, तो यहाँ पे मैंने फटाफट मैसेज टाइप करना स्टार्ट किया, मैंने कहा ऑलरेडी तुझे लेकर बहुत सपने बना चुका हूँ मैं, मॉम डैड से भी बात की, पसंद भी करा उन्होंने, और तू है कि 24/7 कक्कू कक्कू ये वो, ठीक है। अब एक्चुअली कक्कू इसके बॉयफ्रेंड का निकनेम है, आई एम सॉरी गाइस, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ हेट और इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वीडियो टू स्प्रेड हेट एंड हर्ट, प्लीज़ हर्ट मत होना, हेट मत होना, ऑफेंड मत होना, तो इट्स जस्ट अ प्रैंक वीडियो, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा तेरे फैमिली को मनाने का मेरा काम है, उसको भूल जा, उसके अलावा बता तुझे क्या दिक्कत है, या तो कह कि मैं पसंद नहीं हूँ तुझे, कहती यार अभी मैं ये प्यार व्यार की बारे में नहीं सुनना चाहती, मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना सच में मतलब जानबूझ कर ही यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे टोन सेट कर दिया कि आई डोंट केयर एनी मोर, हर समय तेरी सुनकर रह ली ना इसलिए आज इतना करती है, इम्पोर्टेंस दी है ना, गलतियों को भी माफ़ कर दिया, सोचा कोई नहीं जब वाइफ बन जाएगी तब समझा दूंगा तो समझ जाएगी, खुद गलतियां सुधार लेगी, पर नहीं यार तुम तो बार बार बात पे हर्ट कर रही हो, कहती है ब्रेकअप करने वाली हूँ पर करती नहीं, कहती हो 6 महीने चाहिए मैंने दिया सोचे छोड़ देगी, लेकिन तुम तो यार मुझे ही हुतिया बना रही हो, 6 महीने मांग करके केक के साथ रिश्ता फिक्स करने जा रही हो, मतलब मेरे ट्रस्ट की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास, खर्चा करने का एहसान नहीं कर रहा तुम पर हर समय यही सोच कर करता था कि वाइफ ही है, कर दे यार क्या दिक्कत है, दिल दिमाग दोनों कहते थे कि कर दो जो कहे कर दो, क्या करूँ यार 3 साल में प्यार जो हो गया तुमसे, तेरी गलती नहीं है यार तू सही है खुश, अब मेरी ही किस्मत ख़राब है, जिससे भी प्यार करो वही छोड़ कर चला जाता है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने अब तू जाना चाहती है, कोई नहीं मैं नहीं रोकूंगा तुझे, तेरी मर्ज़ी कभी नहीं रोकी मैंने, आज भी नहीं रोकूंगा, तू नहीं करती होगी प्यार मुझसे शायद पर मैं तो करता हूँ, कोई नहीं कुछ नहीं कहूँगा अब से, ना डांटूँगा ना चिल्लाऊँगा ना गालियाँ दूँगा ना ज्ञान दूँगा एक्सेट्रा, खुश रह तू जो करना है कर, कैसे शादी करनी है कर, बट याद रखना हमेशा कि मेरे साथ तूने ऐसा किया था, बड़ा दुख बद्दुआ नहीं दूंगा सिर्फ दुआ ही दूंगा, प्यार करता है ये दिल तुझसे, चाहे कितना ही तू दुखी कर दे तोड़ दे इसके ये तेरे लिए, तोड़ दे इसे ये तेरे लिए कभी ख़राब नहीं सोचेगा, बाकी मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिला।
सोचा था कोई नहीं समझ रहा मुझे, पर मेरी 3 साल रहने वाली दोस्त प्यार जान समझ लेगी मुझे, पर मैं गलत था। नहीं समझ रही तू, उल्टा मुझे ही समझने को कह रही है बार बार, बार बार मुझे समझा रही है। मैं समझ रहा था शायद तू मेरे प्यार को समझकर स्वीकार करेगी, पर तूने नहीं किया यार। फिर मैडम ने लिखा, मैं कहीं नहीं जा रही। और मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत दिल दुखा है मेरा, जा ही तो रही है के पास। जाओ कोई बात नहीं, दिल दुखा है मेरा, कोई नहीं, बहुत दर्द मिल गया मुझे। सोचा था जब, फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि फिर हमेशा 3 साल में तुझे ही गले लगा कर रोऊंगा, सही लगेगा। समझाती रहेगी तो एक सहारा मिल जाएगा मुझे, पर अब लगता है अकेला ही रहूँगा मैं। कोई नहीं सस्तू, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, कहती मेरे से बेटर मिलेगी तुझे, टेंशन मत ले। मैंने कहा, तुझे सब दिखता है, कक्कू, उसका परिवार, तेरे फ्रेंड्स, सिस्टर्स, भाभियाँ, भैया, परिवार, सब। बस अफसोस है ये है कि तुझे मेरा प्यार नहीं दिखता। फिर मैंने कहा, अब इसने कहा था ना कि मेरे से बेटर मिलेगी तुझे, तो मैंने यहाँ से अब अपना मेन प्रैंक चालू किया। मैंने लिखा, जब जीऊँगा ही नहीं तो कैसे मिलेगी, जा रहा हूँ मैं आज, कार में ही हूँ। फिर मैंने इसको 2 पिक भेजी जो हमने कोलाज बनाई थी गाइस, ठीक है। तो अब फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ये हमेशा याद रहेगा मुझे। फिर मैंने अपनी कार की एक पिक भेज दी, एक्चुअली पुराने पिक है, ये सब क्लिक्ड है, ये सब पुराने पिक है। तो फिर मैंने कहा, देख ले, लेके निकलूँगा अब, पर वापस नहीं आऊँगा, ठीक है। दोस्तों को और जो क्लोज है उनको 13 नंबर दे के आया हूँ, कहकर आया हूँ कि इससे बात करना, मुझे आने में शायद लेट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा, चुप होके घर में बैठ जा यार, वैसे ही मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा, कह देना उनका जब भी कॉल आए कि वंशु कभी नहीं आएगा। अब मैंने अपनी कार की पिक से भेज दी, फिर मैंने इसको लिख दिया, रेडी टू हो। अब ना भाई, हम लोग की ना कुछ वीडियो कॉल हुई थी, उसमें कुछ मैडम से बातचीत हुई थी, बहुत प्यारी कन्वर्सेशन थी। अब आप लोग देख ही सकते हो यार, कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है। तो बस यार, थोड़े नखरे वाली ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा ही सोचती है। अभी देखो शक्ल, देखो मैडम की, ठीक है। अब इस दिल को जोड़ नहीं सक रहा यार मैं, आईस कुछ तो करो यार, कुछ तो हेल्प करो। देखो, तो फिर मैंने कहा, ये सब याद रहेगा मुझे, ये वीडियो कॉल्स कन्वर्सेशन सब। तो कहती है, तू पागल मत बन, समझा। मैंने कहा, उस ऊपर वाले से ज़रूर कहूँगा कि तुझे और कक्कू को 7 जन्मों तक साथ रखे, गुड नाइट सोस, ये आखिरी गुड नाइट होगी मेरी, ठीक है। फिर मैंने लिखा, आज कुछ नहीं रोक सकता मुझे सोस, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने पी है, एक्चुअली नहीं पी है, ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रैंक। फिर मैंने लिखा, एंड आई एम डन, ये दर्द नहीं झेल सकता मैं, तू के साथ ही खुश रहे, खुशी से रहे, मेरी क्या ज़रूरत, हमेशा मुझे हुदे बनाते आई है, तू इन सब से अलग है, तू अपना है, तुझे मेंशन करने की दरकार नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर मैंने इसे लिखा कि अब देख, अब तो जा रहा हूँ, मेंशन करने का झंझट भी गया, कैमरों और फ़ोन को आउटर लगा दिया है मैंने, शूट हो सके एक्सीडेंट, इसलिए शूट होते ही तुझे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, गुड नाइट, टेक केयर सोस, कहती पागल वागल है क्या तू, देख। फिर मैंने लिखा, बाकी जितने भी चैट्स हैं सब प्री टेक्स्टेड है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुझे मेरे एक्सीडेंट के बाद भेज रही होगी, ठीक है। अब इस गधी को इतना भी नहीं समझ में आया, लिव इट, ठीक है। तो फिर इसने लिखा, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, तो मत समझना कि मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसने लिखा, मम्मी पापा सोच, मैंने कहा, और एक्सीडेंट के पिक तुझे AI भेज देगी, जैसे ही एक्सीडेंट के सारे प्री टेक्स्टेड टेक्स्ट तुझ तक पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, उसने कहा छुतिया है क्या, मैंने कहा ओम साई राम, ठीक है। कहती ओए सुन, फिर मैंने ना गाइस इंटरनेट से एक पिक डाउनलोड की और उसे एडिट किया, एडिट करने के बाद आप लोग देख सकते हो नंबर वंबर एक्सेट्रा, नंबर मैं ब्लर कर दूंगा गाइस, यहाँ पे देख लो, एक्चुअली मैं जो जो चीज़ मुझे नहीं दिखानी है मैं उसे ब्लर ही कर दूंगा। तो गाइस एक्चुअली ये नंबर मेरा एक्चुअल नंबर है कार का, बट यहाँ पे दूसरा नंबर था, तो मैंने एडिट करके, समझ जाओ अब आप, अपना नंबर डाल दिया। कहती ओए, फिर मैंने यहाँ पे और तगड़ा प्रैंक किया, मैंने कहा येस मैम, दिस इज़ प्राइवेट AI ऑफ मिस्टर वंशीष बुकरेडीवाल, हाउ कैन आई हेल्प यू। कहती यार मजे मत ले, मैंने कहा सॉरी आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट ही सेड। फिर रो रही है, मैंने कहा व्हाई आर यू क्राइंग मैम, मैम सर कमांडेड मी टू चैट विथ यू आफ्टर हिज एक्सीडेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। कहती शट अप। मैंने कहा, फिर मैंने लिखा शैल आई प्ले सम म्यूजिक, फिर मैंने लिखा अनआइडेंटिफाइड कमांड, ठीक है। कहती हाँ, मैंने कहा सॉरी आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। कहती यार मजे मत ले, ठीक है। फिर मैंने वापस लिखा सॉरी आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। फिर मैंने लिखा प्लीज़ यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज। कहती शट अप यार, मैंने कहा अनआइडेंटिफाइड कमांड।
फिर साइड फिर लिखते कर ले अपने सब करो सबने अपने भगवान जाने क्या लिखा इसमें कभी ने ठीक है। फिर मैंने कहा सॉरी आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। फिर कहती है अगर वंशु ये मजाक हुआ ना तो देख लियो जिंदगी में बात नहीं करूँगी समझा। फिर मैंने वापस लिखा सॉरी आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। तो गाइस कैसा लगा आपको ये प्रैंक? बस यही प्रैंक था। अब रही बात इसे मनाना तो पड़ेगा ही, बट यार तू वीडियो देख रही है ना सोस आई रियली लव यू यार एंड आई रियली डू दिस टाइम आई रियली डू। और तू अगर देख रही है ना देन प्लीज़ यार मुझे एक बार कॉल कर लियो इस वीडियो को देखने के बाद।